अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ काशी विद्यापीठ वाराणसी। आज किस तरह का आयोजन है? आज जो है पूरे प्रदेश में हमारे प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी के आह्वान पर 21 सूत्री मांगों को लेकर के हम सारे शिक्षक, शिक्षा में अनुदेशक रसोईयां धरना दे रहे हैं। हमारी मांगों पर सरकार ने अभी तक विचार नहीं किया। अभी हम लोगों ने ट्विटर अभियान चलाया था, जिसमें जो है सरकार ने 1000 रुपये अनुदेशक को और 500 शिक्षा लिप को बढ़ाने का समाचार प्रकाशित तो कराया, लेकिन अभी तक उनको दिया भी नहीं गया। और जो हमारी मांगे 21 सूत्री हैं, इसमें पुरानी पेंशन, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, हमारी वेतन विसंगतियाँ, सामूहिक बीमा 10 लाख की हम मांग कर रहे हैं। हम रसोईयां को, शिक्षा मित्र को, अनुदेशक को हम नियमित करने की मांग कर रहे हैं, इनके मानदेय को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि एक छत के नीचे जितने भी शिक्षक कर्मचारी कार्य करते हैं, हम सबकी भावनाओं का आदर करते हुए हम सबकी मांगों को सरकार के सामने रखे हैं। और मुझे लगता है कि सरकार को इस मांगों को मान लेना चाहिए। अगर सरकार नहीं मानती है आपकी मांगे तो आगे क्या करें? नहीं मानती अगर सरकार हमारी मांगे तो हमारे पास एक धरना का ही हथियार है, हम लोग जिले स्तर पर धरना करेंगे। और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लखनऊ की जमीन पे विशाल धरना करने का प्रयास करेंगे और सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए मजबूर कर देंगे। सरकार तो कहती है हम शिक्षकों के साथ हैं। सरकार कहती है कि हम शिक्षकों के साथ हैं, लेकिन सरकार का रवैया आप सब देख रहे हैं कि वह शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया है। सरकार कहती है कि हम जो है शिक्षकों को सम्मान कर रहे हैं। अभी जो है विगत 2 वर्षों में एक महानिदेशक जी थे, तरह तरह से विभिन्न आयाम ला करके हम शिक्षकों को जो है परेशान करने का काम किया गया। जो भी चीज़ें लाई जाएँ, जो भी व्यवस्थाएं लाई जाए, अगर उसमें शिक्षक प्रतिनिधियों से राय लिया जाए तो उसका निदान अच्छा होगा। गुरु सबसे महत्वपूर्ण होता है सभी के जीवन में, तो शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, उस पर आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को हम यही कहेंगे कि सरकार आपके मीडिया के माध्यम से हम सबके धरना प्रदर्शन को देखते हुए हमारी भावनाओं का आदर करें और जो गुरु का सम्मान है उस सम्मान को दें। हम शिक्षकों की मांगों को माने और हम हमेशा, हमारे शिक्षक जो है शिक्षा उन्नयन में बढ़ चढ़ के कार्य कर रहे हैं। आज भी हमारे जनपद में भी सम्मान समारोह आयोजित है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे शिक्षक कार्य नहीं कर रहे हैं तो उन्हें क्यों सम्मान? मन जा आरंभ करना है, उनको मल्यार्पण कर स्वागत करना है।